हाय वेलकम टू सिंपली जेएस। पिछली वीडियो में अपन ने देखा किस तरीके से अपन HTML के बेसिक टेम्पलेट ला सकते हैं, उसके टेम्पलेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका क्या मतलब होता है, डॉक टैग, HTML हेड टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, इन सब के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में समझा था। आज अपन समझने वाले हैं HTML एलिमेंट और उनके एट्रीब्यूट के बारे में। तो HTML एलिमेंट होते क्या, तो बेसिकली कोई भी टैग होता है, जैसे ये वाला टैग है, इसको बोला जाता है कि HTML एलिमेंट। तो हर एक टैग को उसको एलिमेंट बोला जाता है, उसको नाम से कंसीडर किया जाता है कि ये H1 का एलिमेंट है, ये BR एलिमेंट है, ये P एलिमेंट है, मतलब ये वाला H1 एलिमेंट है और ये वाला P एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, तो इस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो एलिमेंट के अंदर ही एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है नेस्टेड एलिमेंट। अब नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को हटाता हूँ। अभी यहाँ पे एक लेता हूँ डिव एलिमेंट। अब डिव एलिमेंट के अंदर मैंने लिया एक UL एलिमेंट। अच्छा, पहले न्यू UL के पहले भी एक ले लेता हूँ नेव एलिमेंट। अब नेव, इसको UL को यहाँ से हटा के नेव के अंदर ले लेता हूँ मैं UL एलिमेंट। अब UL के अंदर ले लेता हूँ LI एलिमेंट और इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ PRETR। अब PRETR के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ से एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर PRETR लिखेंगे तो ये वाली जो एक्सटेंशन है वो आपकी निकल के आ जाएगी। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो कोड है वो फॉर्मेट सही तरीके से रहेगा, उसका जो लिखने का तरीका है, उसको जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो LI टैग है, अब कंटेंट अपन इसके अंदर लिख रहे हैं, जो मेन कंटेंट है वो इस चीज़ के अंदर लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया होम पेज, तो जो मेन कंटेंट है वो इसके अंदर है। लेकिन इस ये वाला जो कंटेंट है LI टैग किसके अंदर है, UL टैग के अंदर। UL टैग किसके अंदर है, नेप टैग के अंदर। नेप टैग किसके अंदर है, डिव एलिमेंट के अंदर। टैग बोल दो या एलिमेंट बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो अब ये समझो कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसमें डिव एलिमेंट के अंदर नेप एलिमेंट, नेप एलिमेंट के अंदर UL, UL के अंदर LI। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, जब आप CSS की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं तो वो नेस्टेड वे में लगती है। अभी जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं कि डेप के अंदर, डिप के अंदर नेप टैग है, नेप के अंदर। इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि जब अंदर कोई टैग होता है ना तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी इंटरनली अप्लाई होती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो। अभी जब एट्रीब्यूट के बारे में आपको समझाऊंगा ना तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको गो लाइव कर दूँ और गो लाइव करने पर अभी आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट जो है अपना यहाँ पे देखो डॉट और होम पेज, नीचे वो सिंपली जी जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है वो आ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को LI टैग के अंदर हटा दूँ, समझना भी बात को, अब इसी चीज़ को मैं LI टैग के अंदर से हटा के इसको P टैग या H1 टैग के अंदर यहाँ पे लिख दूँ सिंपली जी एस, तो यहाँ पे देखो वो जो डॉट था अभी थोड़ी देर पहले वो डॉट अभी जा चुका है। तो हर एक टैग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, मतलब जो इतने भी एलिमेंट हैं HTML के अंदर उनकी एक इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। LI टैग है तो उसको अलग तरीके से अप्लाई करना है, H1 टैग है तो उसको अलग तरीके से अप्लाई करवाना है। तो कौन सा कंटेंट किस एलिमेंट के अंदर, कौन सा कंटेंट किस तरीके से दिखाई देगा, ये उसके एलिमेंट के ऊपर डिफाइन करेगा कि आप कौन सा एलिमेंट उसके अंदर लगा रहे हैं। LI एलिमेंट लगा रहे हैं तो वो कंटेंट, वही कंटेंट, सेम चीज़ अलग तरीके से दिखाई देगी, और H1 टैग लगा रहे हैं तो वही चीज़ अपन को अलग तरीके से दिखाई देगी। तो इस तरीके से अपन एलिमेंट के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी नेस्टेड एलिमेंट के अंदर सिर्फ आपने इतना समझा कि एक एलिमेंट के अंदर अंदर एलिमेंट अपन डाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एट्रीब्यूट के बारे में। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, अब एट्रीब्यूट का मैं आपको समझाता हूँ। तो एट्रीब्यूट के लिए अपन को समझना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी भी एलिमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको मिलती है तो वो होता है एट्रीब्यूट। जैसे अपना जो H1 टैग के, इसके अंदर अपन नॉर्मली कोई एट्रीब्यूट नहीं, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है सब टैग के साथ, जितने भी एलिमेंट है सबके साथ अपन अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। लेकिन अभी आप समझो कि H1 टैग है अपना और इसी के नीचे एक और टैग है अपना A टैग। अब इस टैग के अंदर देखो बाई डिफॉल्ट HREF लिख के आया है, लेकिन H1 टैग के अंदर लिख के नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर अप्लाई होती है। तो हर एक एलिमेंट को अपने अपने एट्रीब्यूट दिए गए हैं, जैसे लिंक को ए वाला एट्रीब्यूट दिया गया, ए इसका क्या एट्रीब्यूट उसके बारे में बताता है कि ये लिंक टैग है। लिंक टैग के अंदर अगर आप HREF नाम की एक वैल्यू होती है उसके अंदर अगर आप फाइल का नाम देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उस फाइल को वो कनेक्ट कर लेगा अगर वो फाइल आपके फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से अपन लिंक प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको HREF टैग को लगाते हैं। उसी तरीके से होता है इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे SRC
और अल्ट, ये दोनों क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट हैं। और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है विड्थ, एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है हाइट। तो ये जो एट्रीब्यूट हैं, ये एट्रीब्यूट इस इमेज की अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कौन सी इमेज लगानी है वो इस जगह पे बता देंगे आप। अगर इमेज लोड नहीं हुई तो क्या दिखाना है, तो इस जगह पे बता देंगे। इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो इस जगह पे बता देंगे, हाइट कितनी होनी चाहिए वो इस जगह पे बता देंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल का। जब ऐसी चीज़ें, अगर आप लिंक टैग की बात करें या फिर आप इमेज टैग की बात करें जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। अब रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है उसको मैं आपको समझा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्च किया वेबसाइट, ठीक, तो यहाँ से वेबसाइट की ये वाली वेबसाइट निकल के आई है। मैंने इसको लिया, इसको मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया। तो अब इसी चीज़ को आप समझना, मैं इसी HREF को क्या करूँगा, मैं इसको सोचूँगा कि इसको यहाँ से निकाल के इसको इस जगह पे रख देता हूँ। मतलब मैं कोशिश करूँ कि इसका जो मेन टैग है, इसका जो मेन टैग है ए टैग, पहले ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ। मेन टैग इसका कौन सा है, ए टैग, जिसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं H1 टैग के अंदर भी इसका यूज कर लूँ, क्या ये पॉसिबल है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे अगर आप इस जगह पे, तो H1 टैग के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कितनी बार भी क्लिक करूँ तो कुछ भी हो नहीं रहा मतलब, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को, मतलब ये जो आपने दिया है इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं अपन, और इस जगह पे मैं आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख लेना केवल टैग के बदलने से क्या होता है। इसको मैं रीलोड करूँगा, यहाँ पे शायद कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा ना, यहाँ पे अपन लिख देते हैं लिंक। तो अब अपन चलते हैं, अब इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखना, मैंने जैसे ही क्लिक किया रीलोड होना शुरू हो गया, और जो वेबसाइट ए वाली वेबसाइट अपने वाले पेज के अंदर खुल के आ गई है, जो अपना पेज है ना उसके अंदर खुल के आ गई है। तो क्या हो रहा है कि उसका जो एट्रीब्यूट है, ए टैग का जो एट्रीब्यूट है, वो कितना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है, किसी दूसरी वेबसाइट का वो लिंक ले सकता है इस HREF के अंदर। अब जो लिंक लिया है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी जो URL है, इस URL को बोला जाता है एब्सोल्यूट URL। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना कि एब्सोल्यूट, कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि रिलेटिव URL और एब्सोल्यूट URL के अंदर अंतर क्या होता है। तो अंतर बहुत ही सिंपल सा होता है कि जब कोई ऐसा URL, जैसे ये वाला URL है, इसके अंदर साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि कोई आपको डोमेन नेम प्रोवाइड हो रहा है, website.com और HTTPS भी लगा हुआ है इसके अंदर। मतलब मेन चीज़ ये वाली है कि जिसके अंदर डोमेन नेम लगा हुआ है उस वेबसाइट का या उस URL का, जिस URL को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उस URL का अगर कोई डोमेन नेम, पर्टिकुलर डोमेन नेम लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक एब्सोल्यूट URL है। अब बात आती है रिलेटिव URL की, कि रिलेटिव URL क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ रिलेटिव URL क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैं अपने उसके अंदर गया डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे एक डाउनलोड के अंदर से मैंने एक इमेज को कॉपी कर लिया, ठीक। मैंने यहाँ से इस इमेज को कॉपी का ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद जो अपना डेस्कटॉप है उसके अंदर जो HTML ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर है, जिसके अंदर अभी सिर्फ एक ही फाइल है, उसके अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। तब जो है एक जो ए वाली फाइल जो है इसके अंदर आ चुकी है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं इस फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इमेज के अंदर आप सोर्स के अंदर ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से simply.html दे दी मैंने, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे वापस जाऊँगा इस जगह पे, मैं इसको वापस से इस जगह पे आके इस जगह पे रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज नहीं आई है, इमेज को आ जाना चाहिए था, रीलोड किया, इमेज क्यों नहीं आई, अच्छा मैंने इस वाले एट्रीब्यूट को खाली छोड़ दिया, अभी इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे इमेज का वो आ रहा है, इमेज आ नहीं रही है लेकिन इमेज की वो निकल के आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए, अब यहाँ पे अपन अल्ट टैग का जो एट्रीब्यूट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज लिखा, तो जब इमेज लोड नहीं हुई उस समय इसने क्या किया, इमेज यहाँ पे लिख के दे दिया। अल्ट टैग क्या करता है, जब इमेज लोड नहीं होती है तब इसका एट्रीब्यूट होता है। अब अपन अगर इमेज ऐसी दे दें, ये जो अपन ने यूज़ किया ना, इसको, इसी को बोला जाता है रिलेटिव URL, और जिसके अंदर डोमेन नेम होता है उसको बोला जाता है, ये अच्छा यहाँ पे अपन ने गलती ये कर दी, simply.html दे दिया, अपन को कुछ इस तरीके से देना चाहिए था,
अभी आएगी। अब देखो यहाँ पे इमेज मेरी लोड हो रही है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना, जब मेरी इमेज लोड हो रही है तो जो अल्ट टैग के अंदर अपन ने जो लिखा हुआ है, अल्ट टैग के अंदर मतलब जो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर, मैं टैग टैग क्यों बोल रहा हूँ, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इमेज दिखाई देगी तब इमेज दिखाई देगी, जब इमेज नहीं दिखाई देगी तो ये जो अल्ट नाम का एट्रीब्यूट है इसके अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो आपको दिखाई देगा। अब इसी के अंदर दो एट्रीब्यूट और जो मैंने आपको बताए थे विड्थ के बारे में, तो इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ 200 पिक्सल, तो इसमें आप चेंजेस देखना कि इसका कितना छोटी सी ये इमेज हो गई, जो इमेज इतनी बड़ी अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दे रही थी वो इमेज इतनी छोटी हो गई। ये स्टाइल का पार्ट है, अपन स्टाइलिंग जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसको समझेंगे, लेकिन मेन चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट यानी कि टैग, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि जिसकी मदद से आप उसको यूजफुल बना सकते हैं, समझ रहे हो, आप उसको यूजफुल बना सकते हैं। जैसे ए टैग के अंदर HREF टैग है, इमेज टैग के अंदर ये वाले, और इसी तरीके से इनपुट टैग के अंदर तो भर भर के हैं, इनपुट टैग के अंदर तो बहुत सारे हैं। जैसे इनपुट के अंदर एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, फिर प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है, फिर इसी के अंदर एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, फिर इसी के अंदर एक और ऑन सबमिट नाम का एट्रीब्यूट कुछ होता है, ऐसे इसके अंदर ऑन सबमिट नाम का एट्रीब्यूट होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं इसके अंदर। तो अलग अलग हर एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, बस उसको कौन सा एट्रीब्यूट कब यूज करना है वो आप समय के साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। लेवल टैग के अंदर अलग अलग होते हैं, आईडी इसके अंदर पास कर सकते हैं, आईडी और क्लासेस के बारे में अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा लेकिन आगे पढ़ेंगे। अब एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो हर टैग के साथ यूज होता है, हर एक एलिमेंट हर एक टैग के साथ अपन यूज कर सकते हैं। अब मैं उसी को आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप इंपोर्टेंस भी समझेंगे किस चीज़ की, नेस्टेड एलिमेंट की, जो नेस्टेड एलिमेंट है उनका क्या जो इफेक्ट होता है पेज के ऊपर, जो इफेक्ट होता है वो कितना गहरा इफेक्ट होता है जब कोई भी नेस्टेड एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे डिप के अंदर नेब है, ठीक है, अपन यहाँ पे सिंपली जेएस पे कोई भी अपन कलरिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपली जेएस को अगर आप ध्यान से देखें H1 टैग के अंदर जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे डिप के अंदर क्या करता हूँ, डिप के अंदर यहाँ पे स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है उसको मैंने लगाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर और इसका मैंने दे दिया ब्लैक, ठीक। तो यहाँ पे देखना बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक दिया तो इतना पूरा ब्लैक हुआ, और जो सिंपली जी सभी जो आपको दिखाई दे रहा था जो टेक्स्ट अंदर का वो अब दिखाई ही नहीं दे रहा है। और अभी अगर मैं सिंपली जी जो टेक्स्ट है उसके ऊपर मैं कोई भी कलर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैं उस चीज़ के ऊपर कोई भी कलर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर नाम से एक चीज़ और देता हूँ जिसका मैं कर देता हूँ रेड, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, देखना यहाँ पे मैंने डिप के अंदर दे रहा हूँ, मैं इसके अंदर दे ही नहीं रहा हूँ, इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे स्टाइलिंग इस जगह पे हो रही है डिप टैग के अंदर, लेकिन ये इफेक्ट कहाँ हो रही है, नेप टैग के अंदर, UL टैग जो है उसके अंदर, तो सिंपली जी ऐसे उस जगह पे जाके इफेक्ट हो रही है, समझ रहे हो बात को। अब क्योंकि आपको मालूम है कि हर चीज़ मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है सबके पास, तो अगर मैं यहाँ पे जाके स्टाइल को जो इसका कलर है वो अगर मैं कलर में अगर यहाँ से वाइट कर दूँ इस तरीके से, और इसके बाद अगर मैं जाऊँ तो आप इसको देखो वाइट पाएंगे। तो क्या हो रहा है कि मतलब अपन जब अपन इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई नहीं कर रहे हैं नेस्टेड एलिमेंट के अंदर, जब कोई भी कलर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऊपर पेरेंट एलिमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरेंट एलिमेंट, एक ही बार आपको समझाने के लिए पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट। और ये चीज़ आप पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी जितना समय तक आप वेब डेवलपमेंट करेंगे इसका आपको यूज करना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी CSS की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है इसी के हिसाब से अपन को अप्लाई करनी होती है हमेशा पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से। तो इसीलिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और नेस्टेड एलिमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप नेस्टेड एलिमेंट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो आप आगे जाके जो अपना HTML CSS और JavaScript का जो बेस फाउंडेशन होता है वो आप ख़राब कर लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में आपको सफ़र करना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे होती है, ये वाली चीज़ कैसे होती है। तो वो सफ़र ना करना पड़े, वो अपने आप को थोड़ा बेसिक तरीके से आप मजबूत महसूस करें, तो उसके लिए आपको जो चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट की एक एक करके आपको समझ निकालनी पड़ेगी, वो समझ
केवल अभी देखो, अभी अगर आपने इस वीडियो से अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ अगर मैं मुझे मालूम पड़ गया कि पेरेंट एलिमेंट क्या है, चाइल्ड एलिमेंट क्या है, तो सच्चाई ये है कि नहीं पढ़ा आपको, सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि जो टैग के अंदर टैग होता है उसको अपन चाइल्ड एलिमेंट बोलते हैं, जो सबसे ऊपर टैग होता है उसको बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। इस चीज़ को आपको मालूम पड़ा। जब सी एस एस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तब कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई होना है, तो वो अलग अलग तरीके से जब अप्लाई होती है ना, तब दिमाग कन्फ्यूज होता है। तो उसको अपन को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए आपको तब आपको ध्यान में लाना है कि पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पूरे वेब डेवलपमेंट में आपको यूज करना है। आप कितने भी साल लगे रहो तब भी आप HTML CSS की इस चीज़ को आप मास्टर करने में बहुत समय लगाते हैं आप, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आने वाली वीडियो बहुत ही जल्दी जल्दी आने वाली है, इसमें अपन कोई डिले नहीं करेंगे। ये वाला कोर्स HTML CSS और JavaScript का कोर्स इस महीने के अंत तक पूरी तरीके से अपन ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।